हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर विजिट टू द जू चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि वेयर डिड द पोएट सी द एनिमल, यानी जो कवि हैं उन्होंने एनिमल्स यानी जानवरों को कहां पर देखते हैं। तो इसका आंसर है द पोएट सॉ द एनिमल एट द जू। जो कवि होते हैं वो एनिमल्स को जू में यानी चिड़ियाघर में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टू की बात करें तो वो है विच फ्लाइटलेस बर्ड डिड द पोएट सी देयर। विच फ्लाइटलेस, फ्लाइटलेस का मतलब होता है कि ऐसा चिड़िया या ऐसा बर्ड जो कि उड़ ना सके, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फ्लाइटलेस बर्ड था जो कि कवि ने वहाँ पर उस चिड़ियाघर में देखा। तो क्वेश्चन टू का जो आंसर है वो है द पोएट सा एन ईमू विच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। जो कवि है उन्होंने ईमू नाम का एक बर्ड देखा जो कि वो क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है, जो कि वो सिर्फ चलती है, उड़ नहीं सकती है। क्वेश्चन फोर की बात करें वो है द पोएट एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू जू, ओके। यानी जो पोएट हैं और उसके जो मित्र हैं, ठीक है, वो कब जाते हैं चिड़ियाघर में, दोपहर में जाते हैं या मॉर्निंग में जाते हैं या नाइट में जाते हैं। तो इसका आंसर है इन द आफ्टरनून, ठीक है। जो पोएट थे, कवि थे और उसके जो दोस्त थे, वो लोग बेसिकली आफ्टरनून यानी दोपहर के समय चिड़ियाघर में गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो है क्वेश्चन फिफ्थ एंड अ लायन ईट मीट दे वुड फॉरगेटन टू बेक, व्हाट डू यू थिंक इज दे इन दिस लाइन। यानी जो दे है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है इस लाइन में। तो क्वेश्चन फिफ्थ का जो आंसर वो है दे रेफर्स टू द जू कीपर्स, ठीक है। जो दे है बेसिकली वो जू कीपर्स के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। दे फॉरगेटन टू बेक द, दे मतलब चिड़ियाघर वाले, ठीक है। फॉरगेटन टू बेक यानी ये क्या था, हम लोग जानते हैं जो शेर होते हैं वो क्या कहते हैं, मीट खाते हैं, लेकिन वे कह रहा है दे फॉरगेटन टू बेक। कौन मतलब उसको भूनना या उसको क्या कहते हैं हम लोग कि उसको बेक करना यानी पकाना भूल गए थे, यानी जो कीपर्स भूल गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स हाउ डिड दे ऑल गो होम, यानी कभी जो थे और उनके जितने भी फ्रेंड थे वो किस तरह घर लौटते हैं। द पोएट एंड हर फ्रेंड्स रिटर्न होम इन टैक्सी कैब। जो पोएट होते हैं और उसके दोस्त होते हैं बेसिकली टैक्सी कैब के थ्रू अपने घर पर पहुंचते हैं। यहाँ पे एक दिया है क्वेश्चन सेवन हाउ मनी ऑफ दिस एनिमल नेम्स आर यू हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, विच वन आर दे, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इस पोएम में ऐसे एनिमल के नाम आपको यहाँ पर लिखना है जो कि आपने पहली बार उस एनिमल का नाम सुना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कंप्लीट द राइमिंग पेयर यूजिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, यानी राइमिंग वर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि लेयर, लेयर का राइमिंग वर्ड है चेयर, ठीक है। स्नेक, स्नेक का राइमिंग वर्ड है अवेक। क्रैब, क्रैब का राइमिंग वर्ड हो जाएगा डैब। अवेक का हो जाएगा बेक एंड कून का हो जाएगा बैबून एंड मिल का हो जाएगा सील, ठीक है। तो इस तरह से आप राइमिंग वर्ड यहाँ पर फिल कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।